नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सबको ईशान से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण बातों के विषय में बताते हुए देन आफ्टर ओवरऑल पाम का एनालाइज कर आप सब सभी के सामने व्यक्त करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं राहु रेखा के विषय में। तो राहु रेखा कुछ इस प्रकार से, जब माइंड लाइन और हार्ट लाइन को काटते हुए चलती है तो इसका प्रभाव लाइफ में ज़्यादा गहरा देखने को मिलता है, जो एक प्रकार के लॉसेस को, और जब माइंड लाइन पर राहु रेखा काटती है तो मेंटली इश्यूज जैसे मेंटल प्रेशर, टेंशन, ट्रबल, इन सब को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से ये जो राहु रेखा काटी है ये अप्रोक्सीमेटली आपको 36 के एज से लेकर के 40 के बीच में काट करके ज़्यादा चल रही है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 34 के एज से मिल रहा है, तो करियर में अनस्टेबिलिटी या किसी न किसी वे में बाधा अड़चन आपके 34 के एज से ही आना स्टार्ट हो गया है। तो 34 से लेकर के 40 के एज तक ये लास्ट जो है इसका प्रभाव है। यहाँ पर लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली 40 है और माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर जाया जाए तो ये 39-40 का एज निकल के आ रहा है। लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली अब भी आप देखेंगे तो लाइफ लाइन में भी तकरीबन 40 के एज के बाद से लाइफ लाइन यहाँ पर आपके भाग्य रेखा का फ्लो बहुत अच्छा हुआ है और ये हार्ट लाइन से मर्ज होते हुए सीधे गुरु से कनेक्टेड हुआ है। तो जो ग्रोथ है वो 40 के एज के बाद में यहाँ पर आपको बेसिकली मिलने वाला रहेगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि जो मेन फेट लाइन है वो यहाँ डायरेक्ट सेटन तक नहीं पहुँचा है, जिसके कारण ये करियर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि का सामना आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर शनि का क्षेत्र पूरे की पूरी तरह से दबा हुआ है, जिसके कारण हर कार्यों में विलम्ब, देरी, अड़चन, बाधा देखने को मिलती है। एक तो ये फॉर्मेशन हुआ, दूसरे यहाँ पर आपके जो भाग्य रेखा है उसी पर आड़ी रेखा हल्की सी चल रही है। और यहाँ पर भी देखें आएंगे आपके यहाँ पर सन लाइन स्टार्ट बहुत अच्छा है लेकिन एंड इसका धुंधला हुआ है। इट मीन्स आपका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिकेट करता है कि आपका करियर बहुत बेहतरीन पॉइंट पे था, बहुत अच्छा सक्सेस किया था, लेकिन अभी के टाइम में और आगे चल करके करियर वाइज देखा जाए तो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और ये सारे की सारी बाधा अचानक से जो है इस राहु रेखा के कारण आई है। ये राहु रेखा कोर्ट केसेस और ऐसे बेफिजूल के इल्ज़ाम भी दे देने वाला होता है, क्योंकि लाइफ लाइन को भी इसने अफेक्ट किया है और लाइफ लाइन पर जब जब राहु रेखा आई है तब तब किसी ना किसी वे में लॉसेस देखने को मिला ही है। तो इसके मैं रेमेडीज़ आपको आफ्टर पाम रीडिंग व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा, खासकर सेटन के, क्योंकि जो ग्रोथ है वो इसी के कारण मेनली रुकी हुई है। देन आफ्टर सारी चीज़ें एक दूसरे से अफेक्टेड हुई हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पाम के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो शॉर्ट देखने को मिलेगा, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स जैसे ही आपके दिमाग में कोई भी बात आएगी उस पर क्विकली एक्शन लेना, रिएक्ट करना या बिना सोचे समझे कार्य करना, यह आपके नेचर में रहेगा। इससे दिक्कत ये हो जाती है कि दूरदर्शिता आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, और दूरदर्शिता कम होने के कारण ही जब एक्शन ले लेते हैं तब जा कर के थिंकिंग प्रो कॉन्स या एनालिसिस कर के देखते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ, जो कि कई मामलों में सही साबित नहीं होता है। इसलिए एनालिसिस करके कोई वर्क करेंगे या डिसीजंस लेंगे तो ग्रोथ के चांसेस फिर अच्छे देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर के लिए तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंचा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा, अपनी बात को बड़ी ही स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी इसे हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर ज़्यादा है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी अपने जीवन में रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे और बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव भी रहेगा। थर्ड फिंगर नेम, फेम, रिस्पेक्ट को भी इंडिकेट करता है, तो सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट भी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ देखा जाए तो फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार के गैप्स एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप कभी भी किसी से दब करके नहीं रह सकते हैं और आपके अंदर अधिक खर्चीलापन भी रहेगा, तो खर्चों पर नियंत्रण भी आपका कम रहने वाला है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, तो उस कारण से हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन मधुर यहाँ रहने वाले हैं। ज़्यादा फिंगर का कहीं भी झुकाव नहीं है तो ऐसा कोई तकलीफ परेशानी यहाँ नहीं है। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल अच्छा है, तो इसके कारण स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है और सशक्त है, इसमें इसका मतलब आप हठी किस्म के नेचर के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण जो एक बार आपने ठान लिया या जिस बात पर आप पड़ गए, अब जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक आप उस बात को लेकर के टस से मस नहीं होंगे। तो ये नेचर होने के कारण जो है बेसिकली
फर्स्ट फीलिंग्स की लेंथ भी यहाँ पर लॉन्ग है, जो कि गुड विल पावर को इंडिकेट करता है। तो एक तो ये हठी किस्म का नेचर भी है और विल पावर भी स्ट्रांग है, जो कि ज़िद्दीपन को यहाँ ज़्यादा इंडिकेट करता है कि आप जिस जिद पर अड़ गए अब कोई भी उस पर आपको कुछ भी एक्शन करवा ही नहीं सकता है। आप जब तक वो जिद आपकी पूरी नहीं होगी तब तक आप नहीं हटेंगे या वो कार्य से अपने आप को पीछा नहीं छुड़वाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाम का साइज़ भी स्क्वेयरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो किसी भी प्रकार के मेहनत से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर देखें तो लालिमा लिए हुए आपका हाथ है और सॉफ्ट पाम है ये, तो ये बेसिकली सेंसिटिव पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है और हर परिस्थिति के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर पाने में आप सक्षम भी रहेंगे। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन डेवलप अच्छा है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा उत्साह उमंग अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, एक्शन जोन एक्टिव है। इट मीन्स आप पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। जब थिंकिंग जोन जब एक्टिव ज़्यादा नहीं होता है तो जो सर्विसेज होते हैं या करियर होते हैं इसमें भी अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी इस कंडीशन में देखने को मिलता है। और ख़ासकर जैसे आपका नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप है, जो कि इंडिपेंडेंट वर्क के अकॉर्डिंगली लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को अच्छा इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर विकसित कुल मिलाकर के ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा जो साइड के एरिया से ये सब जो गुरु माउंट दब रहा है, इस कारण से जो नॉलेज है उसका यूटिलाइज फिर प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और जिस प्रकार का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को इंडिकेट करता है, तो जितना आपने अपने लाइफ में डोनेट किया है, जितना दिया है, उसके अकॉर्डिंगली फिर रिस्पेक्ट भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि सैटर्न भी दबा हुआ है और इसने गुरु को भी अफेक्ट कर दिया है। तो मेरिड लाइफ में भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ की आड़ी रेखा आपको धार्मिक बनाएगी, जिसके कारण जो भी आपका जैसे धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा रहेगा। सोशल वर्क करने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ सिंपथेटिक नेचर रहेगा, जिसके कारण किसी का दुख दर्द ना देख पाना और खुद से जितना हो सकता है सहयोग प्रदान करना, इस प्रकार का नेचर भी निखर के आता है। एक स्क्वायर का साइन भी यहाँ क्रिएट हो रहा है, हालांकि अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो ज़्यादा सही था, अदरवाइज तब भी प्रॉपर्टी के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 40 के एज के बाद से जो है अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है ज़्यादा कम्प्लीट नहीं है, जिसके कारण ये जो इसके परिणाम है वो मिलने में थोड़ी देरी विलंब भी देखने को मिलता है। सैटर्न माउंट जैसा दब गया है, जो चिंतात्मक स्वभाव को सर्वप्रथम व्यक्त करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर भाग्य रेखा पहुँचने में तकलीफ हुई है, लेकिन एक सेपरेट आपकी सैटर्न लाइन अवेलेबल है, जिसके कारण धन की स्थिति में कोई ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं आएगा, धन जीवन में ठीक रहने वाला है। और कुछ जो ये आड़ी रेखा हल्की सी चल रही है, ये थोड़ा सा बाधा को यहाँ पर इंडिकेट करते है, क्योंकि शनि पर किसी भी प्रकार की आड़ी रेखा होने के कारण भाग्य में कमज़ोर को व्यक्त करता है। बीच की ये रेखा यानी सूर्य और शनि के बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज और एडवाइजर को इंडिकेट करती है, तो एक्सपीरियंसेस लाइफ में अच्छा गेन कर पाएंगे, दूसरों को गाइड अच्छा कर पाएंगे। और सन लाइन मल्टीपल्स लाइन होने के कारण भी आगे चल कर के बिल्कुल जो है ये प्रॉपर नहीं चल रही है और पूरी की पूरी यहाँ इन्फ्लुएंस होकर के एकदम डिसेबल हो गई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं करियर को रीस्टार्ट आपको जो है वापस से करना रहेगा, अदरवाइज एक प्रकार से अनदर प्रोफेशन में आपको अपना हाथ आजमाना पड़ेगा, तब जा करके ग्रोथ मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। अदरवाइज वही ओल्ड प्रोफेशन लेकर के चलेंगे तो इतना ज़्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी या सक्सेस नहीं रहेगा। मर्करी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा अच्छी बोली को भी इंडिकेट करता है, तो अपने बोली आचरण से अच्छा लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं और अपनी बात भी उनसे दूसरों से यानी मनवा लेने में सक्षम रहेंगे। हार्ट लाइन की बात की जाए तो हार्ट लाइन यहाँ से सीधे कनेक्टेड हो गया है गुरु से, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। ऑनेस्ट और लॉयल पर्सनैलिटी के भी यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं, तो इसके कारण सोचने समझने की क्षमता जितनी भी है वो दिल के द्वारा अत्यधिक देखने को मिलती है। प्रैक्टिकलिटी की कमी होने के कारण भी आप जैसे लोगों का मिसगाइड और मिसयूज़ ईजिली किया जा सकता है, इसीलिए प्रैक्टिकल जितना हो सके रहिए। और ये जो इमोशनल नेचर है ये फैमिली में अगर रखेंगे या ये जो करुणा भाव है ये किसी गरीब के लिए या समाज सेवा के लिए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, अदरवाइज बाकी ऐसे कहीं ना कहीं ही आपके इमोशंस और फीलिंग्स के साथ हर्ट होने के चांसेस भी और एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने के चांसेस भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मंगल से भी कनेक्टिविटी हो रही है आपके
हार्ट लाइन की, जो कि एग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है कि एग्रेशन आपका ख़राब रहेगा। अब ये रेखा टूट गई है तो इस कारण से एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन तब भी किसी भी प्रकार का डिसीज़न लेने से पहले आप सोचते नहीं हैं, जल्दबाजी और हड़बड़ी में काम आप करते हैं, और बहुत क्विकली किसी भी चीज़ का रिएक्ट करना, एक्शन ले लेना, या एक प्रकार से कोई भी थिंकिंग है उस पर क्विकली इम्प्लीमेंटेशन कर देना, ये नेचर भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीज़ सही नहीं होती है। अंदरूनी मंगल का क्षेत्र विकसित ठीक है, बाहरी मंगल आपका सबसे अच्छा विकसित है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। इस कंडीशन में हो ये गया है कि है तो दोनों एग्रेशन के ही कारक, लेकिन जब बाहरी मंगल डेवलप होता है तो एग्रेशन होता है लेकिन कंट्रोल होता है। इट मीन्स वो जो तलवार है वो म्यान में है। ये कूल क्लेवर मेंटेलिटी को यहाँ इंडिकेट करता है, यानी अब जो है आपको गुस्सा बेफिजूल की बातों पे या इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन कोई अगर उंगली करेगा तब जा करके सबसे ज़्यादा एग्रेशन आपको आने वाला रहेगा। बाकी बात किया जाए यहाँ पर आपके लाइफ लाइन और माइंड लाइन के फ्लो पर, तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ से आगे चलते हुए नीचे की ओर डिक्लाइन हो गया है, यानी चंद्र की तरफ, तो इस कारण से ये ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग और डीप एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। एक्चुअली आपके साथ इशू ये है कि आपका माइंड बहुत डिटेल में जाना पसंद करता है, यानी हर बात की जड़ तक, इसीलिए छोटी मोटी इश्यूज़ भी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट लगने लगते हैं। साथ ही साथ ओवरथिंकिंग के कारण टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी का प्रॉब्लम भी आता है, इसीलिए ओवरथिंकिंग से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि इसके द्वारा नेगेटिव थिंकिंग भी आता है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो आपके माइंड लाइन से कुछ फॉर्मेशंस ऊपर की ओर भी निकल रहे हैं, जिसके कारण आपका जो माइंड है वो खासकर बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा चलेगा, जिसके कारण व्यापार में सर्वाधिक लाभ मिलने के योग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं यहाँ पर आपके हाफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन मर्करी लाइन के अकॉर्डिंगली भी हो रहा है। हाफ ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल ओपन है, बहुत माइनर सा लाइन से कंप्लीट हो रहा है जिसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो आप जैसे लोग करोड़पति बनते हुए देखने को मिलते हैं व्यापार के द्वारा, क्योंकि व्यापार में इनोवेटिव आइडियाज़ और एक प्रकार से मार्केट को अच्छा कैप्चर करने की कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर देखने को मिलती है। इसीलिए क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो आपका माइंड लाइन जैसे डिक्लाइन हो रहा है, तो आप एक एक रुपये का जो हिसाब रखने वाले हैं और इतनी डिटेल एनालिटिकल पर्सनैलिटी है, तो अगर उसको यूज़ अगर आप बिजनेस सेंस में करें तो सोचिए आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ लाइफ लाइन पर आते हैं तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर आपके सीधे यहाँ से निकलते हुए यहाँ कनेक्ट जो है बहुत माइनर से लेवल से हो रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये इन फ्यूचर अगर ये कनेक्टेड होता है तो जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने के योग आपके बनेंगे। अदरवाइज़ अभी तो रेखा जो है मिडिल में आ रहा है, मतलब शुक्र और चंद्र के जब मिडिल में जीवन रेखा आती है तो जीवन में भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और सेल्फ फोकस, करियर फोकस, सेंट्रल फोकस नेचर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं जब ये स्ट्रेस लाइन आपके लाइफ लाइन को कट किया है, उस टाइम में दो प्रोग्रेस लाइन भी देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली एक 38-39 लमसम में ही दिख रहा है, और एक तकरीबन 40 एज के लमसम में देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या सक्सेस, कुछ ना कुछ एफर्ट्स के द्वारा सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे, और ये सक्सेस यही रहेगा कि अपने केस में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यहाँ पर एक कुछ जो फेट लाइन है वो लाइफ लाइन से भी आकर के मर्ज होकर के आगे चल रही है, जिसके कारण खुद के एफर्ट्स और खुद के मेहनत के द्वारा भी लाइफ में ग्रोथ अच्छी कर पाएंगे। शैटन के रेमेडीज करना ज़रूरी है, तब जाकर के ग्रोथ प्रॉपरली मिल पाएगा। बाकी बात करें सपोर्टिव लाइन्स की, तो कुछ सपोर्टिव लाइन्स यहाँ चल रही है जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस में कमी आएगा, लेकिन ये सपोर्टिव लाइन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। मीन्स दिखाने के लिए लोग आपके साथ हैं, लेकिन रियल में कोई साथ नहीं है, ऐसा यहाँ शो हो रहा है। बाकी अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक बात करें आपके शुक्र के क्षेत्र की, तो शुक्र का क्षेत्र भी विकसित कुल मिलाकर के ठीक है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छे रहन सहन को, खान पान, घूमना फिरना, ऐशो आराम, जीवन में किसी भी प्रकार की समृद्धि की कमी आपको रहने नहीं वाली है, क्योंकि शुक्र एरिया अच्छा ले रहा है, तो यह हेल्थ में भी अच्छा सुधार करता है, तो स्वास्थ्य संबंधी भी तकलीफ परेशानी खत्म होती है। लेकिन यहाँ के जो आड़ी रेखा है वो अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करता है, जो ओवर थिंकिंग के कारण आता है, इसीलिए अपने आपको ओवर थिंकिंग से दूर रखना है। क्योंकि जब शुक्र नेगेटिव हो जाएगा तो फैमिली से भी आपको प्रॉब्लम आने लगेगा, फैमिली के लोगों में भी चिंता जो है बढ़ जाएगा, या फैमिली में भी दुख का जो है सीन आपको देखना पड़ सकता है, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ से निकलने वाली मर्करी लाइन आपको व्यापार के क्षेत्र में लेके आएगी, जिसके कारण व्यापार से आपको
लाभ मिलने के आसार अच्छे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन एक प्रकार से बन जरूर रहा है, जो कि अच्छे धन को और उस धन के अच्छे स्टोरेज को, प्रॉपर यूज़ को भी इंडिकेट करता है। केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग अच्छी कराती है और यात्राओं के द्वारा लाभ मिलने के आसार भी अच्छे देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ की चंद्र की आड़ी रेखा बेफिजूल की चिंता को और किसी न किसी चीज़ की लत को भी इंडिकेट करता है। मन में विचलन होना, मन में घबराहट होना, बेचैनी महसूस होना, ये यहाँ पर आपका चंद्र से इंडिकेट हो रहा है। अदरवाइज़ कोई यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, सन लाइन भी डेवलप्ड हो ही रहा है, तो इसीलिए आने वाले टाइम यानी 38:40 के लमसम में किसी न किसी वे में नेम फेम रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस लाइफ में अच्छे हैं। बात करें आपके लेफ्ट पाम के विषय में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपकी फेट लाइन रुक कर के चल रही है और सेटन तक प्रॉपरली नहीं पहुँचा है। इस कारण से कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर को लेकर के या ड्रीम डिज़ायर्स को लेकर के देखने को मिलता है, और उसी दौरान में राहु रेखा ने भी काटा है। और देन आफ्टर 40 के एज के बाद में जो है लाइफ लाइन में थोड़ा सा, और यहाँ पर देखेंगे फेट लाइन में भी थोड़ा सुधार आते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए सन माउंट पे क्लियर कट क्रॉस का साइन है, जिसके कारण अपने ही लोगों से धोखा मिलने का यूज़ जो है बेसिकली यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है, और अपने ही लोगों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ करने के योग बनते हैं, जिसके कारण अपने ही लोग पीठ पीछे छुरा खोपते हैं। तो इसीलिए कार्य क्षेत्र में नाम खराब होने, बदनाम होने के योग भी बनते हैं। अब लेफ्ट पाम में इस प्रकार के योग हैं तो ये अपना असर तो दिखाएगा ही, इसीलिए किसी पर आँख मुंद के भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अब जैसे राइट पाम में आपका यहाँ पर इमोशनल नेचर है, लेफ्ट पाम पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल नेचर, लेकिन जो सपोर्टिव लाइन से वो तब भी गुरु से कनेक्टेड हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी हड़बड़ी पे भी कंट्रोल रखना है, और सैटर्न के मेनली यहाँ पर रेमेडी करने हैं ताकि सन पर भी ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ये ख़त्म हो, क्योंकि जब क्रॉस का साइन हो जाता है तो हर प्रकार की मेहनत किए कराए पर पानी भी फिर जाता है। इसीलिए इस चीज़ को समझना और इसके उपाय करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।